नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सासाराम डीएम धर्मेंद्र कुमार लगातार एक्शन मोड पर है। 32 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद वो अचानक से डीटीओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनको देखने के बाद वहां के अधिकारियों में हरकंप मच गई। वहां पर पहुंचकर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने पूरे डीटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और सरकारी योजनाओं को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को बड़ा निर्देश देते हुए ये कहा कि अब सारे सरकारी अधिकारी सासाराम जिले के पंचायतों में ही रात्रि विश्राम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सासाराम के डीओ धर्मेंद्र कुमार, किस तरीके से उन्होंने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, उसके बाद उनके तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश सामने आए, पहले आप उनकी पूरी बातों को लगातार हम लोग को सोशल मीडिया के भी माध्यम से और हमारे ऑफिस में भी लोगों की शिकायतें आ रही थी कि डीटीओ साहब के ऑफिस में कुछ समस्याएं हैं और चाहे कुछ लोग फालतू लोग यहाँ पर आकर के मतलब बैठते हैं और भी लाइसेंस वगैरह के रिन्यूअल वगैरह में भी कुछ समस्याएं हैं। तो मेरे द्वारा एक यहाँ का जो है औचक जांच हुआ है और औचक जांच में कुछ समस्याएं देखी गई हैं, उसके संदर्भ में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि अभी बहुत से सुधार की संभावना यहाँ पर है और हम लोग उसको देख रहे हैं, भविष्य में सुधार की संभावना है और इसमें सुधार होगा। डीएम धर्मेंद्र कुमार अचानक से जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण, इस दौरान कार्यालय में व्याप्त अनियमितता पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। आपको बताएं कि जिला अधिकारी को आम लोगों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना लगातार मिल रही थी कि डीटीओ कार्यालय परिसर में अवांछित तत्वों की आवाजाही है, साथ ही बाहरी लोग कार्यालय परिसर में अधिक देखे जाते हैं, जबकि आम लोगों को सामान्य काम के लिए भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी शिकायत मिलने के बाद जिला अधिकारी ने खुद दोपहर में अचानक से जाकर डीटीओ कार्यालय पर पूरे मामले की जांच की, साथ ही परिसर में आने वाले आगंतुकों को सूचीबद्ध करने, सीसीटीवी कैमरे को सही जगह पर लगाने एवं आम लोगों की शिकायतों तथा सुझावों के लिए अलग से रजिस्टर बनाने के निर्देश जारी किए। वहीं कार्यालय में काम कराने के लिए आने वाले लोगों को बैठने की व्यवस्था करने का निर्देश भी जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया। बाद में डीएम ने बताया कि सामान्य शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जो भी विभागीय समस्या है उसका भी वो जल्द से जल्द समाधान करेंगे। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार बुधवार को अचानक से गांव पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत सुनी और नल जल योजना की जांच करने 32 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ गए। इसके बाद वहां मौजूद सभी अधिकारी और ग्रामीण हैरान रह गए। सासाराम के डीएम धर्मेंद्र कुमार को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायत सुनने को मिल रही थी, लोग उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे थे और इसी कड़ी में पहले वो बुधवार को अचानक से गांव पहुंचे, जहां पर सरकारी योजनाओं को उन्होंने निरीक्षण किया और जल नल की योजना की जांच करने के लिए अचानक से वो 32 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ गए और अब डीटीओ कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के बीच हरकंप मचा दी, साथ ही साथ अधिकारियों को कई सख्त दिशा निर्देश दिए और यह भी कहा कि सारे सरकारी अधिकारी अब पंचायतों में ही जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर्मेशन में। नमस्कार।